यह है खलिया द्वार यानी खलिया टॉप जाने का रास्ता, और यहाँ पर 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से टिकट लगता है पर्यावरण वन विभाग द्वारा इसको साफ रखने के लिए। और यहाँ से जाने पर ऊपर 6 किलोमीटर 0 पॉइंट है खलिया टॉप का। तो आइए चलते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं आपका होस्ट दोस्त। इस समय हम लोग मुनस्यारी मार्केट से लगभग 8 किलोमीटर ऊपर खलिया टॉप पर चढ़ाई करना प्रारंभ कर चुके हैं, और यहाँ से पूरे मुनस्यारी के चारों तरफ का बेहतरीन नज़ारा इसलिए हम लोग ट्रैक करना प्रारंभ कर चुके हैं कि यहाँ की खूबसूरती और वाइल्ड लाइफ काफ़ी मनमोहक है। आइए चलें ऊपर की तरफ। हाय, इस समय मैं खलिया टॉप वाले रास्ते पर हूँ। मेरे हिसाब से लगभग आधे रास्ते मैंने तय कर लिए हैं और लगभग आधा रास्ता बाकी है, और नीचे से लोग धीरे धीरे ऊपर ट्रैक कर रहे हैं। देखिए, यहाँ से सीधे ही नीचे एकदम खाड़ी है और यहाँ से जरा सा फिसले आई है यहाँ पे। हाँ, फिसले तो गए नीचे। नहीं, इतना नीचे नहीं जा पाए। अरे नहीं नहीं, पैर फिसल जाएगा तो चले जाएंगे। ऊपर चलते हैं और देखते हैं यहाँ क्या है। और मैं शिव बहादुर यादव, हम तीन साथी हैं। मेरा न पता है न ठिकाना है लेकिन अभी हमारे साथी पुनीत सिंह दिखाई नहीं पड़ रहे हैं रास्ते में। पता है न ठिकाना, कहीं भी घूमते हुए चले जाना, क्योंकि नीचे साहब लोग अभी आ नहीं पा रहे हैं, उनका पैर साथ नहीं दे रहा। चले है, चले चलते हैं टॉप पे। हाँ नमस्कार, अब आप लोग देख सकते हैं कि मैं कहाँ आ चुका हूँ। मेरे पीछे पंचाचोली पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही होगी और मैं इस समय खलिया टॉप वाले रास्ते पर, और मेरे पीछे देखिए ये सारी पर्वत चोटियाँ। यहाँ से पूरे 180 डिग्री तक दिख रहा है टापोले रास्ते पर, और हम चढ़ाई करते हुए यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। मेरे मित्र लोग नीचे से आ रहे होंगे और एक मित्र जो है हल्के फुल्के बॉडी के साथ शुरुआत से जो आगे बने हैं तो आज तक बने हुए हैं। वो चाह नहीं रहे कि हमसे आगे कोई निकल पाए, दो कदम आगे जरूर बढ़ा दे रहे हैं। देखिए पास आएंगे ना, देखिए चलना शुरू कर देंगे, कह रहे हैं कि हम आगे जाने नहीं देंगे। लेकिन देखना है कि अंतिम में क्या होता है। कौन आगे जाता है? हाँ, अभी एक हमारे मित्र पीछे रह गए हैं। ये इधर से भी देखेंगे तो कि चोटी काफी, और धीरे धीरे इधर बढ़ेंगे तो भी बर्फ की चोटियाँ दिख रही हैं। पंचाचोली कौन सी, ये वाली? इतने सारी थोड़ी होंगी। यहाँ से वीडियो कॉल शायद ही हो। दोस्तों यह है
कैंपिंग साइट और क्लियर टॉप बेस कैंप, और यहाँ पर आप चाहे तो, और यहाँ का चार्जेज लगभग 1000 पर नाइट है, जिसमें खाना पीना और सुबह का नाश्ता होगा। और यहाँ का नज़ारा है देख लीजिए, और इन सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। देखिए हम लोग खलिया टॉप लगभग पहुंच चुके हैं, और वही सबसे ऊंची चोटी जो है 0 पॉइंट है, और वहीं पर हमें जाने में देखिए कितना समय लगता है। सीधे नीचे से हम लोग आए हैं, और इसी तरह से ट्रेल बना हुआ है लोगों के जाने के हेतु। अब इसी तरह आगे बढ़ते हुए हमें हम लोग पहुंचते हैं सीधे 0 पॉइंट पे। तब तक देखिए क्या होता है। आप दुबनारसी ट्रैकर, हर हर महादेव। चलिए धीरे धीरे हम लोग खलिया टॉप की तरफ पहुंच रहे हैं, और मैं आपको दिखा रहा हूं कि काफ़ी नीचे से मैं यहां से ट्रेल करते हुए आया हूं, मतलब चढ़ते हुए आया हूं। और कहा जाता है कि इस टॉप पर पहुंचने पर काफ़ी सुंदर नज़ारे दिखाई देते हैं। ये चलता हूं, घूमते टहलते चलते हुए कहीं भी चले जाना है, और वहाँ पे प्रकृति की खूबसूरत वादियों का आनंद लेते हुए अपने घर ताजो आबो हवा का आनंद लेते हुए पहुँचते हैं। चलिए आपको मैं सामने खा रहा हूँ इस तरफ की घाटी का। देखते देखते ये घाटी एक मखमली खूबसूरत बुग्यालों में बदल चुकी है, और चलते चलते हमें उसी तरफ जाना है जिधर 0 टॉप है। आइए मैं आपको दूसरी तरफ का दृश्य दिखाता हूँ। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, ब्लॉगरों के शब्दों में अल्टीमेट व्यू। और ये छोटी सी ऊंची पहाड़ी, और ये भोजपत्र के पेड़, सामने लगे हुए दूसरे पहाड़, और ये बर्फ से आच्छादित चोटियाँ आप सभी लोगों को जरूर बुला रही होंगी। तो आइए ना इन प्राकृतिक वादियों में बर्फ से ठंडी ठंडी जो हवाएं चलती हैं, जब शरीर पर छूकर गुजरती हैं, तो क्या शीतलता का अनुभव हम लोगों को होता है। और यहाँ पर आने पर आपको लगेगा कि अब किसी स्वर्ग में आ गए हैं, और इधर लोगों के पदचिन्ह बने हुए हैं, और ऊपर चलते हुए हमें वो टॉप पर चले जाना है। एक हमारे मित्र वहाँ पर बैठ चुके हैं जाकर के, हाथ उठा रहे हैं। ये वाह भाई वाह। तो इसी तरह चलते हुए हमें ये टॉप पर चले जाना है, और ज़िंदगी को एक तरोताज़ा करते हुए, ज़िंदगी को बिताते हुए, और उनको भी ये खूबसूरत दुनिया देखनी है। और यहाँ पर आकर के हमें कोई गंदगी न फैलाएं, क्योंकि अपने बच्चों को भी एक खूब ये हम जो हम देख रहे हैं ऐसी खूबसूरत प्राकृतिक से परिपूर्ण प्रकृति को भी वो दीदार कर सकें, इसका ख्याल भी हमें रखना है। तो आइए चलते हैं, और वहाँ तक पहुँच करके और भी खूबसूरत पूरे चारों तरफ का 360 व्यू दिखाते हैं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं 0 पॉइंट खलिया टॉप के, और चारों तरफ देखिए, इसके चारों तरफ कोई भी पहाड़ इससे ऊंचा दिखाई नहीं दे रहा है, सिवाय बर्फीली चोटियों के। फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुँच पाए हैं, तो यहाँ के देवी देवताओं के आशीर्वाद से, और अपने परिवार के, और मेरे साथ मेरे मित्रों के अलावा एक मित्र नीचे रह गए हैं,
और इस समय लीजिए देखिए इसके नीचे घाटियां कितनी नीचे हैं, गहराई में हैं और रास्ते कितने पतले दिखाई दे रहे हैं। चूंकि धुंध चारों तरफ फैली है तो बहुत साफ नजारा नहीं दिख रहा है, लेकिन इधर बादलों के आगोश में पंचाचूली चौड़ी छुप चुकी है और इधर त्रिशूली पर्वत नंदा देवी सब छुप चुके हैं। इस समय कुछ दिख तो नहीं रहा है, आप संभालिए, बोलिए। कुछ नहीं करना है। गजब। फाइनली वी हैव डिड इट, द ट्रेकिंग ऑफ द खलिया टॉप। धीरे धीरे काले घने बादल उत्तर पश्चिम से आते हुए और पूरब से पूरब तक फैलते हुए, हो सकता है शाम तक कुछ मौसम मेहरबान हो जाए। और ये खलिया टॉप का जीरो पॉइंट है और यहाँ पर हम लोग शुरुआत में ट्रैकिंग खलिया टॉप गेट से हम लोग शुरू किए थे लगभग 8:30 बजे और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते हम लोगों को लग गया 2:30 बजे तक। 2:28 मिनट पर यहाँ पर हम लोग अब वापस जाने हेतु तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग वापस प्रस्थान करेंगे अपने तीसरे मित्र के पास। हर हर महादेव।